नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम लाइव इंडिया और मेरा नाम है अविनाश सिंह। इस वक्त हम मौजूद है जदयू कार्यालय में। जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रही है, एनडीए कहीं ना कहीं लीड कर रही है, तो आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, जिस प्रकार से महागठबंधन से लीड कर रही है अभी एनडीए, आपको क्या लगता है? यह नीतीश कुमार के विकास एवं अमन चैन की जीत है और इसे स्वीकारना ही होगा पूरा बिहार को, और विकास होते रहेगा और उद्योग का जाल लगेगा, बेरोजगारियां भी दूर होगी। जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहे हैं, एनडीए अभी 116 सीट पर, क्या आपको लगता है एनडीए सरकार बना पाएगी? एकदम पूरी तरीके से जीत सुनिश्चित है। विकास के नाम पर मोहर लगा है, हम बिहारियों ने विकास के नाम पर मोहर लगा दिया है, नीतीश कुमार के विकास के नाम पर, और ये विकास की गति अब तीव्र गति दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। जिस प्रकार से रुझान के मुताबिक महागठबंधन से एनडीए अभी लीड करे, आपको क्या लगता है एनडीए सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर से एनडीए का सरकार होगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए का सरकार बनना एकदम तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा ही, और देखिएगा और समय बीतने दीजिए, एनडीए का एक बार फिर से 150 आसपास सीट रहने जा रहा है, अभी बहुत काउंटिंग बाकी है। लेकिन कार्यालय का माहौल थोड़ा शांत सा लग रहा है। ऐसा नहीं है, अभी बहुत भीड़ था, आप देखे होंगे ही, थोड़ा देर 5 मिनट पहले बहुत भीड़ था, अभी बहुत सा निकल रहे हैं, फिर आएंगे, अभी शाम हो रहा है इसलिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोगों में थोड़ा मोरा टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन लोगों ने यह साफ जाहिर किया है कि जीत विकास की ही होगी और सरकार फिर से एनडीए की ही बनने वाली है। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एटीएम लाइव इंडिया।